नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं वो विषय है कि किस प्रकार से छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और किस तरीके से जो भाजपा है वो शहीदों की शहादत का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसने एक बार फिर से पुलवामा जैसी घटना को दोहराकर शहीदों को सीमा पर मरवाया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे जो घटनाक्रम का जो विषय है हमने लिया है, इसके लिए हम आपको ले जाना चाहेंगे एक साल पीछे। जब आप एक साल पीछे आप चलिए तो उस घटनाक्रम को देखते हैं कि 2019 में चुनावों की घोषणा होती है और उत्तर प्रदेश में जनवरी के महीने में मायावती की सरकार, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार के बीच गठबंधन की खबरें आती हैं। अब इस गठबंधन से भाजपा के खेमे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, कोई भी अगर लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश को जीतता है कोई भी पार्टी, तो उसके चुनाव जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जो होती हैं वो विधानसभा की हों या राज्य लोकसभा की हों, वो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो उत्तर प्रदेश को जीतना जो है वो बहुत अनिवार्य किसी भी पार्टी के लिए हो जाता है। और जैसा कि भाजपा का प्रदर्शन था 2014 में, उसने 72 सीटें यहाँ से हासिल की थी। फिर उसके बाद उसका जो ग्राफ दिखाया जा रहा था सभी मीडिया चैनलों में, एकदम से गिरा हुआ दिखाया जा रहा था। और सब लोग ये कह रहे थे कि भाजपा को शायद यूपी में 15 सीटें भी नसीब ना हो। फिर अचानक से फरवरी के महीने में, फरवरी का महीना जो होता है वो आतंकवाद के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव महीना माना गया है। उसका कारण ये है कि फरवरी के महीने में ही जो आतंकवादी अफजल गुरु जो था उसको फांसी दी गई थी। और हमेशा जो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो मकबूल भट्ट हो या अफजल गुरु के समर्थक हो, वो हमेशा ही फरवरी के महीने में बदला लेने के मकसद से किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। और जैसा कि पुलवामा के मामले में भी हुआ था कि पुलवामा के मामले में संसद भवन पर जो हमले के मामले में अफजल गुरु को जो 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी, JKLF के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट को भी 11 फरवरी 1984 को ही फांसी दी गई थी। तो इसलिए इन दोनों की बरसी को लेकर आतंकवादियों के बड़ी वारदात करने की आशंका जताई जा रही थी। और इसलिए ये था कि आतंकवादियों ने एक वीडियो जारी करके भी सरकार को धमकी दी थी कि वो जो है कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। और जो सरकार की इंटेलिजेंस थी उसको भी इस बात की खबर थी कि किसी प्रकार का हमला हो सकता है। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन में और बर्फबारी की वजह से हफ्ते भर से बंद था। और जो कश्मीर के 2200 लोग फंसे थे उसमें कई छात्र भी थे जो कि गेट का एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, सरकार ने उनको एयरलिफ्ट कराया था। और सरकार से जो है CRPF के जो कैंप थे और जो जवान थे उनने भी ये डिमांड की थी सेना ने कि इन सैनिकों को जो है एयरलिफ्ट कराया जाए, उस रास्ते से ना गुजारा जाए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में भी ये कहा गया। लेकिन क्या होता है कि सरकार इन सब की बातों पर अनसुनी करके और एक ढीला ढुलमुल रवैया अपनाती है और RDX लेकर के आतंकवादी जो है वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है क्योंकि इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सारा जो रुख मोड़ा गया वो इस बात पर मोड़ दिया गया, सारे रुख को जो है राष्ट्रवाद की बहस की तरफ मोड़ दिया गया था। और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट भी जारी करते हुए कहा था कि आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट और उनके आने जाने के रास्ते पर IED से हमला कर सकते हैं। 14 फरवरी 2019 की सुबह आज तक की वेबसाइट में यह स्टोरी पब्लिश की गई। खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट में कहा गया था कि ये सभी CRPF के कैंप और पुलिस के कैंप पर आतंकवादी बड़ा हमला कर सकते हैं, इसलिए सभी सुरक्षा बल सावधान रहें। इसके साथ ही बिना सैनिटाइज के किसी एरिया में ड्यूटी पर ना जाएं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे RDX पहुंचता है और हमला होता है और CRPF के जवान जो है शहीद हो जाते हैं। और 2500 जवानों को जो है, ये भी हमारे जो बहुत से लोग हैं इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने जवानों का काफिला गुजारा जा रहा था। 2500 जवानों का काफिला गुजारा जा रहा था 38 बसों से, सड़क मार्ग से। अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा हमले की आशंका थी, उसमें ढुलमुल रवैया करके इतनी बड़ी तादाद में जो है जवानों को वहाँ से गुजारा गया। तो हमला तो होना ही था,
और इस हमले के बाद जिस तरह की राजनीति का नंगा नाच भाजपा ने किया, यह आप सभी को पता होगा कि सैनिकों के शवों पर जो है वोट मांगे गए। अब आपको लिए चलते हैं आज के ताजा घटनाक्रम की तरफ जो करंट में हुआ है। अब आज आप अगर गौर करें तो जो शहीद जवान हुए हैं वो बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं, जबकि बिहार रेजिमेंट के जवानों के वहां पर तैनाती का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि जो वो क्षेत्र माना जाता है जिस क्षेत्र पर चीन से भारत की झड़प हुई है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर कुमाऊँ या गढ़वाल रेजिमेंट के जो जवान हैं उनकी तैनाती की जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन परिस्थितियों में लड़ने के अभ्यस्त होते हैं, जो पर्वतीय परिस्थितियाँ हैं या उनमें वो काफ़ी तपे पर के सैनिक होते हैं। और जो बिहार रेजिमेंट होती है उसकी तैनाती अक्सर बांग्लादेश की सीमा पर की जाती है या और उसमें झारखंड के भी जो जवान हैं उनकी भी। तो चीन के साथ जो लद्दाख सीमा पर भारतीय फौज की 16 बिहार रेजिमेंट के साथ ये झड़प हुई है, 16 बिहार रेजिमेंट के ही एक कर्नल सहित 20 जवान शहीद हुए हैं और 17 घायल हैं। अब उन शहीदों के शवों को बिहार के गांव में भेजकर अंध राष्ट्रवादी माहौल खड़ा किया जाएगा, उसी के जरिए कोरोना प्रवासी मजदूरों के सवाल सबको पीछे कर चुनावी फसल जो है काटी जाएगी। हमें यह जान लेना चाहिए कि लद्दाख बॉर्डर जैसी भौगोलिक स्थिति में है उसमें लड़ाई की स्थिति में कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट ज़्यादा कारगर होती है, क्योंकि ये जवान ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में ही पले बड़े और ट्रेनिंग पाए होते हैं। उन भौगोलिक स्थितियों से अपरिचित 16 बिहार रेजिमेंट को वहां लगाना विशुद्ध रूप से बिहार बंगाल विधानसभा चुनाव का एजेंडा है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। अब आप ये देखिए कि हमारे जवान शहीद कैसे हो गए, कैसे चीन जो है वो इतनी 60 किलोमीटर के दायरे में गलवान घाटी में आखिर आ कैसे गया? क्या ये जो है विदेश नीति की चूक नहीं है, या ये जानबूझ के ढिलाई दी गई ताकि बिहार के सैनिक मारे जाएं युद्ध में और झड़प में, और बिहार के सैनिकों को बिहार में उनके शवों को घुमाकर उस पर अंधी राजनीति की जाए? तो इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि जहां कुमाऊं गढ़वाल गोरखा रेजिमेंट की तैनाती की जाती है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में बिहार रेजिमेंट के जो अनुभवी हीन जो सैनिक है उनके रेजिमेंट की तैनाती करके क्या साबित किया जाना था, और उन पे ही हमला हो जाता और बिहार के ही सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि एक बार फिर से कहीं हमारे सैनिकों को सीमा पर मरवाया गया है केवल राजनीति करने के लिए बिहार में। अब ये एक सच है, कड़वा सच है। अब आप चाहे जो अंधभक्त हैं वो कितना भी उछल लें या कितना भी फुदक लें, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सरकार केवल चुनाव प्रबंधन करना जानती है, केवल चुनाव प्रबंधन को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानकर चलती है। देश से इसका कोई सरोकार नहीं है, इसके पास किसी भी काबिल वित्त मंत्री, किसी भी काबिल विदेश मंत्री या किसी भी काबिल आरबीआई गवर्नर की कोई टीम नहीं है जो कि देश को चलाती है। मुख्यतः तीन लोग देश को चलाते हैं, एक विदेश नीतिकार, एक आर्थिक नीतिकार और एक रक्षा। इन तीनों ही मोर्चों पर इस सरकार ने कभी भी एक्सपर्ट लोगों की तैनाती नहीं की, केवल अपने संघी लोगों को उन कुर्सियों पर बैठाकर केवल मलाई खाने के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी ये पार्टी सिर्फ चुनाव प्रबंधन का कार्य करती है और चुनाव प्रबंधन को ही जनता आजकल सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेती है कि किस तरीके से रैली हुई है, किस तरीके से जो है डिजिटल रैली की गई और मोदी जी जो है कितना शानदार वहां पर जो है मुंह उठाकर बोल दिए फलाना ढिमकाना। अगर हमारे पूर्वांचलियों की भाषा, भाइयों की भाषा में कहा जाए तो जब बंदर के हाथों में आप उस तरह दी दीजिएगा तो काहे की आप जो है किस तरीके से जो है उम्मीद करिएगा। बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, सत्ता जो है ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई है जो चुनाव प्रबंधन करना जानता है, जिसे देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसके पीछे का इतिहास जो है लोगों की लाशों पर चढ़कर सिंहासन पाने का रहा है, तो ये व्यक्ति भला ये क्या देश चलाएगा? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और छद्म राष्ट्रवाद की एक बार फिर से जो है आड़ लेकर के ये चुनाव जीतने की अपने मकसद को अंजाम देने की कोशिश करेगा। और जहां तक इस गोदी मीडिया की बात की जाए तो गोदी मीडिया जो है इसको पूरा समर्थन दे रही है, इस तरह की पार्टी को गोदी मीडिया का पूरा समर्थन प्राप्त है। उसका कुछ एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप जो है इस तस्वीर पर गौर करिएगा। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है ये सवाल सेना के शौर्य पर नहीं है, जवाब। अब ये समाचार जो चैनल है ये क्या कहता है, ये कोई घटना नहीं होकर खत्म हो गई ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारी जमीन पर आ गई और हम सोते रहे? सरकार पर नहीं, सेना पर सवाल होता है। पेट्रोलिंग सेना करती है, सरकार नहीं। पेट्रोलिंग की ड्यूटी सेना की, सरकार नहीं। भारतीय सेना को पूरी आजादी, अरे
जब पेट्रोलिंग सेना करती है तो जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आपने उसका श्रेय क्यों ले लिया? ये तो सेना को श्रेय जाना चाहिए था ना। आपने उस समय गंदी राजनीति क्यों की? आज सेना पर हमला हुआ तो आज आपकी गलती नहीं है, आज आप सेना पर सवाल उठाने लगे कि पेट्रोलिंग सेना करती है, मतलब चित भी आपकी और पट भी आपकी, मतलब गलती किसी से भी हो सकती है जिस सेना के नाम पर आप वोट मांगते हैं या विपक्षी पार्टियों को गाली देते हैं और खुद को देशभक्त ठहराते हैं। आज आप उस सेना पर भी आपने सवाल उठा दिया, लेकिन आपकी पार्टी पाक साफ है, वो देशभक्त है, मतलब आप किसी पे भी सवाल उठा देंगे, लेकिन आपकी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया कभी, और वो जो है सबसे बड़ी देशभक्त जो है वो केवल आपकी पार्टी इस देश में बची है। और इस गोदी मीडिया ने जिस तरीके की गंध फैला रखी है उसका एक नमूना हम आगे की वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि चीन जो है चीन से ये हो गया, चीन से वो हो गया, और क्या कहते हैं चीनी हम उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। अरे आपकी औकात नहीं है चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की, आप ये नाटक मत कीजिए। ये नाटक हमने तब भी देखा था जब डोकलाम में चीनी सेना जो है आगे आ गई थी, 2018 का वो दौर था, और उस दौर में आपने जो है सरदार पटेल की मूर्ति का भी अनावरण किया, वो मूर्ति भी चाइना में ही, चाइना के जो है उसमें कोलैबोरेशन हुआ था उसका। और क्या कहते हैं, अब आप ये खबर पे गौर कीजिए कि जो ड्रामा किया जा रहा है कि चाइनीज उसका बहिष्कार करेंगे, भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ शंघाई की कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का ठेका। अब आप ये देखिए कि ये खबर जो है 15 जून की है, हमला उसी समय के आसपास हुआ है, और इसी समय जो है ये नौटंकी चल रही है। तो आप जब चीनी सामान का बहिष्कार नहीं कर सकते, आपका काम नहीं चल सकता, आपने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया कि आप अपने लोगों को काम दे सकें या यहाँ कुछ जो है प्रोडक्शन करवा सकें, तो आप किस औकात से, जो आपसे आपका खुद का घर नहीं संभल रहा। रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेनें भटकती हुई, अगर उन्हें पूर्वांचल जाना था तो वो नागालैंड पहुंच गई या असम पहुंच गई, इस तरह का भटकाव जो है कभी नहीं हुआ। आपसे अपने सेक्टर नहीं संभाले जा रहे, अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को तो आप संभाल नहीं सकते, आप दूसरे पे क्या सवाल उठाएंगे, दूसरे के सामान का क्या बहिष्कार करेंगे, आपके औकात ही नहीं है। और आप इस तरह की नौटंकी तो ना कीजिए कि हम चाहे, जब आप इतने बड़े बड़े ठेके दे रहे हैं, अरे आपने पूरे बाजार पर जितने ऐप हैं, चाहे वो ओला ऐप हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, स्विगी जोमेटो कोई भी हो, सब में चाइनीज कोलैबोरेशन है। और मजे की बात यह है कि 2014 के बाद से इन चीनी कंपनियों ने एकदम से ये बढ़ती चली गई, छोटी छोटी जगह पर भी आप मनमोहन सिंह को दोष देते हैं, अरे आपकी सरकार में तो इनका चीनी बाजार का दबदबा और बढ़ा है। जितने भी स्टार्टअप आप जो है बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, भारतीय कंपनियां विदेशों में पैसा लगाई हैं इस लॉकडाउन के दौरान, ये एक कड़वा सच है। ये चीजें ना तो मीडिया में आपको दिखाई जाएंगी, सच्चाई ये है कि बहुत बड़ा निवेश एक जो हुआ है लॉकडाउन के समय वो विदेशों में भारतीय कंपनियों ने किया है, और सीएसआर की गाइडलाइन भी भारतीय कंपनियां विदेशों में ईमानदारी से फॉलो करती हैं। ईमानदारी से फॉलो करने का ये अर्थ है कि वहाँ जो बिजनेस होगा, वहाँ के छात्रों को स्किल के लिए प्रोग्राम अवेलेबल कराना और वहाँ के लोगों को रोजगार देना, ये सारी गाइडलाइन विदेशों में ही तो ये कंपनियां, भारतीय कंपनियां फॉलो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पैसा नहीं लगा रही है ना। ये यहाँ सीएसआर की अगर पैसा लगा भी दिए हैं तो गाइडलाइन को यहाँ फॉलो नहीं करती ना, सरकार इन पे दबाव डालती, जबकि विदेशों में ये ईमानदारी से काम करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए किस तरीके से ये जो है, और ये किस तरीके से ये जो कंपनियां हैं अपने आप को ये, और ये जो कहते हैं कि बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है, तो बाहर कंपनियां क्यों निवेश कर रही हैं? और आप जो है चीन से, मतलब आप जो है जो साहिबगंज में जो जवान शहीद हुआ है झारखंड का, वहां पे आपने गंगा के पुल का कॉन्ट्रैक्ट भी आपने शंघाई हार्बर उसको लिमिटेड को दिया था, तो आप किस मुंह से किस, मतलब आपको शर्म नहीं है? जवान जिस धरती पर शहीद हुआ उस धरती का कॉन्ट्रैक्ट भी आपने जो है एक चाइनीज कंपनी को दिया है। तो ये सब ड्रामा तो आप मत कीजिए, ये राष्ट्रवाद, ये छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में आप किस तरीके से देश को मूर्ख बना रहे हैं, और आप जो है अपनी गंदी राजनीति करने के लिए जो है जवानों को मरवा देते हैं। पुलवामा में आपने ही जवानों को मरवाया था, ये कड़वा सत्य है, क्योंकि इंटेलिजेंस की खबरें आपको मिल चुकी थी लेकिन आपकी नीयत नहीं थी। और आपने अब कोई कार्रवाई की क्या? आपने अब कोई उसकी जांच हुई? जांच इस बात की हुई नहीं कि वो आरडीएक्स कैसे वहां पे पहुंचा, बल्कि मुद्दा तो ये मोड़ दिया गया फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में कि हमने पाकिस्तान से ये किया, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक। अरे आप जवानों को ढंग का खाना नहीं दे पाते, आप बात करते हैं सेना की या आप देशभक्त होने की बात करते हैं? तो ये जो है आज का विषय काफी गंभीर था।
और एक मन में एक गुस्सा भी था कि किस तरीके से गंदी राजनीति, और कब तक कोई चुप रहेगा इस गोदी मीडिया की भी, हम जो इस गोदी मीडिया का जो दोहरा रवैया इसने पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक और आज जो चीनी कंपनियों ने यहाँ जो है कब्जा किया उस पर हम गोदी मीडिया का भी दोगला रवैया देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आपको ये समझना होगा कि छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में जिस तरीके से हिटलर ने तानाशाही की थी, ये भी उसी की राह पर चल रही हूँ। जो हिटलर ने किया था वो उससे ये कोई कम हिटलर से खतरनाक नहीं है। हालांकि हिटलर की तो ये काबिलियत थी कि वो सैन्य शक्ति में बहुत कुशल था, लेकिन ये तो व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी लोग तो ये सेना के जवानों की लाश का भी सौदा कर सकते हैं। मोदी ने बिहार रेजिमेंट को बिहार चुनाव के मद्देनजर गलवान घाटी में तैनात किया। प्लान ये रहा होगा कि कुछ भारतीय बिहारी सैनिकों को चीनी सीमा में प्रवेश कराया जाएगा और वो चीनी सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, फिर मोदी उनका तारणहार बन के सामने आएगा और सभी सैनिकों को सुरक्षित वापस ले जाएगा। ऐसे में उसकी छवि हीरो की बन जाएगी और बिहार चुनाव में इस घटना को भुनाया जाएगा, तब ईवीएम से की गई धांधली भी छुप जाएगी। आप क्रोनोलॉजी समझिए, बिहार में चुनाव है और बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हो रहे हैं, इसको आप समझिए। लेकिन इसका उलट हो गया, चीनी सेना ने 20 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करने की बजाय पीट पीट कर मार डाला। कुछ सैनिकों ने आत्मसमर्पण करके अपनी जान बचाई, मतलब जो ये चाहते थे कि चीनी सैनिक जो है वहां पकड़े जाएंगे फिर उनको मोदी छुड़ाएगा एक, लेकिन यहाँ जो है चीनी सेना ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। एक अभिनंदन को वापस लाने पर देश भर में खुशी का माहौल बना था, यहाँ पर तो शायद 300 सैनिकों को वापस लाने की बात थी। मेरा शक तो यह है कि सैनिक सुरेंद्र सिंह की बात को सच माना जाए तो वहाँ 300 सैनिक थे, 20 शहीद हो गए बताते हैं, सिर्फ 10 लौट कर आए, बाकी 270 सैनिकों का क्या हुआ ये ना तो सरकार आपको बता रही है ना मीडिया ही सवाल पूछ रही है। ये बस मेरा अनुमान है, लेकिन मोदी के पिछले इतिहास को देखते हुए इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे पुलवामा में अपने ही देश के सैनिकों को मरवाकर देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया गया, शायद भारत चीन बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी ही साजिश रची गई हो। पुलवामा की जांच आज तक नहीं करवाई गई है कि शायद कैसे 300 किलो आरडीएक्स भारतीय सीमा के इतना अंदर तक आया। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है लेकिन इस पर बोलना मना है। बाकी सवाल पूछने वाले तो देशद्रोही हैं, लेकिन आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह पूरे घटनाक्रम को सेना की नाकामी बताकर भी देशभक्त है। तो आज तक की जो श्वेता सिंह का दोगलापन है वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसी तरीके से बहुजन वाणी चैनल के माध्यम से मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। आगे भी अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो है हम गोदी मीडिया के दोगले रवैये को देखेंगे। धन्यवाद।